सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं रोहित, आप देख रहे हैं इस हमारे यूट्यूब चैनल रोहित टेक में। तो दोस्तों, क्या आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी को डाउनलोड करना चाहते हैं, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी को म्यूजिक के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं? अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो पूरा अंत तक देखिए, मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा अपने इंस्टाग्राम स्टोरी को कैसे डाउनलोड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो पूरा अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप मत करें। वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको कहता हूँ वीडियो पूरा अंत तक देखें, वीडियो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो कर लेते हैं शुरू। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले देता रहूँगा। और आप अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो आपके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप वहाँ से मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने इंस्टाग्राम का स्टोरी कैसे डाउनलोड करें और डाउनलोड करके इसको मतलब कि देखना चाहते हैं म्यूजिक के साथ, तो इस वीडियो पूरा अंत तक देखें। तो चलिए पहले अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपने स्टोरी को आपको ओपन करके दिखा देते हैं, उसमें म्यूजिक लगा या नहीं लगा है। म्यूजिक के साथ हम आपको डाउनलोड करके इस स्टोरी को दिखाएंगे इंस्टाग्राम से। तो चलिए अपने स्टोरी को डाउनलोड कर स्टोरी को ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना एक स्टोरी लगा दिया है। तो सो फिर यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं मेरा स्टोरी लग गया है। अब इसको कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सो फ्रेंड, देखिए म्यूजिक के साथ मैं अपना स्टोरी को डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मतलब इंस्टाग्राम पे मेरा आ गया। तो इंस्टाग्राम आने के बाद आप कैसे इसको डाउनलोड करना है मैं आपको बताता हूँ। फिर सीधा आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो सो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउजर हो गया ओपन। ओपन होने के बाद इसमें क्या सर्च करना है मैं आपको बता दूँ सिंपली से। तो सो फ्रेंड, इस पर आपको सर्च करना है instastorydownload.com। आप कोई भी सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोड ऑनलाइन। आप मतलब कुछ क्रोम ब्राउजर पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरह की इंटरफेस आपके मोबाइल में खुल जाएगा। तो ये पहला वाला जो वेबसाइट खुल गया है स्टोरी सेवर, इस पर क्लिक करेंगे। तो सिंपली से आप देख सकते हैं मेरा जो है स्टोरी वेबसाइट ओपन हो गया है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं इस पर क्या कह रहा है आपको दिखा देता है सिंपली से। आज इसको आपको लॉग इन करना होगा, जो यहाँ पे दिया है इंस्टाग्राम अकाउंट यूजर नेम। मैं अपना सिंपली से इसमें अपना यूजर नेम डाल देता हूँ। तो सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा आपके मोबाइल पे। तो सो फ्रेंड, सबसे पहले अपने स्टोरी का लिंक उसको कॉपी कर लेना है। मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो स्टोरी आप लगाए हैं अपने इंस्टाग्राम पे, तो उसका लिंक आप अपने मोबाइल में कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद वहाँ पर आपको पेस्ट करना है। देखिए मैंने यहाँ पर स्टोरी लगाया, स्टोरी लगाने के बाद इसका लिंक आपको कॉपी कर लेना है। तो सिंपल से यहाँ पे जाके कॉपी लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। ट्विटर पर जाके कॉपी लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वापस आ जाएंगे अपने वेबसाइट पे, इसमें आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको नीचे थोड़ा आ जाना है। नीचे आएंगे जो यहाँ पे दिया है कैप्चा नंबर, इसको कर देंगे आई एम नॉट रोबोट। करने के बाद आपको सिंपली से यहाँ आपको इसको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो सो फ्रेंड, मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोड हो गया। मैं आपको इस गैलरी में जाकर सिंपली से आपको इंस्टाग्राम स्टोरी दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए वहाँ जाके। अपने गैलरी में आ जाएंगे। गैलरी में आने के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी को देखें तो जो वहाँ पर लगाए थे अपने। तो सो फिर देखिए यहाँ पे मेरा जो इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोड हो गया है। तो सो फिर आप भी इस तरह से अपने इंस्टाग्राम स्टोरी को के साथ डाउनलोड कर सकते हैं।